ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड है जो कि परमानेंट रेसिडेंट, दैट इज लाइक नथिंग, ही कैन गो कम डू एनीथिंग, यू सी नथिंग इज देयर दैट विल हैव डायरेक्टली कि कब से रेसिडेंट है, एक्सपायरी वगैरह सब दिखेगा एंड यू कैन बी कीप ऑन एक्सटेंडिंग। ये उनका आधार कार्ड है क्या सर ये? अच्छा ये उनका इमिग्रेशन कार्ड है वहां पे, ठीक अच्छा है। अरे उनका सिटीजन का भी पंगा है ना, ग्रीन कार्ड इज नॉट सिटीजन ना। ग्रीन कार्ड इज नॉट सिटीजन, से परमानेंट हाँ रेसिडेंट। और एक भी है इसके बाद। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है सर ठीक तो ये मिलने से पहले दोज है। हाँ पीपल विल स्टे ऑन ग्रीन कार्ड ईएडी, ओके। हाँ ठीक है। अगर कोई ग्रीन कार्ड ईएडी पे है, दिस पर्सन कैन वर्क ऑन कॉप टू कॉप W2 एंड सी एवरी EW2 ऑन 1099, क्योंकि ईएडी आ गया ना उसको। तो ग्रीन कार्ड ये है कि ट्रांजिशन, ग्रीन कार्ड यू आर वन स्टेप बिहाइंड गेटिंग योर ग्रीन कार्ड एंड दोज गाइस विल गेट ग्रीन कार्ड ईएडी। ओके अच्छा हाउ यू विल गेट ग्रीन कार्ड ईएडी, आपको याद है ये सीन? एक मूवी देखे थे उस दिन हम लोग, ये वाला मूवी देखे थे I-140, I-140। हाँ I-140 अप्रूव अप्लाई किए थे नहीं ग्रीन कार्ड के लिए भाई, याद है? नहीं है? हाँ सर हाँ वहां पे प्रायोरिटी डेट क्या है? March 7, 2005। अब जब आप ये रिसिप्ट नंबर से चेक करते रहोगे, ये प्रायोरिटी डेट जब करंट हो जाएगा ना करंट, हाँ तो ये बंदे बुलाए जाएंगे वहां पे इमिग्रेशन पे कि दिस गाइस आर नाउ रेडी टू टेक देयर ग्रीन कार्ड, ठीक है। अगर ये प्रायोरिटी डेट जब तक प्रायोरिटी है तो कुछ नहीं करना, खामोश बैठना घर में। जब ये करंट हो जाएगा यू विल अप्लाई I-485, ओके ठीक है। जब तक I-140 करंट पे नहीं है, वो सिर्फ टेम्पररी में है, वो एप्लीकेशन में जैसा है एप्लीकेशन डेट है, तब तक कुछ नहीं करो। जब तक वो करंट हो जाएगा देन यू विल अप्लाई फॉर I-485। ओके ये जब अप्रूव हो जाएगा, यू सी दिस एप्लीकेशन टू एडजस्ट टू परमानेंट रेसिडेंट स्टेटस, समझे? अगर ये आपको ईएडी के हिसाब से वो बंदा भेज सकता है, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग एज रिक्रूटर, कैंडिडेट बोलेगा कि नहीं मैं H1 H4 सॉरी मैं ग्रीन कार्ड ईएडी हूँ भाई, डॉक्यूमेंट भेज कर I-485 का अप्रूवल डॉक्यूमेंट भेज बोल के बोल सकते हो तुम। तो उसमें ये लिखा होगा, दिस इज टू नोटिफाई यू दैट योर एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रेसिडेंट हैज बीन अप्रूव्ड। ये अभी जब बोल रहा है अप्रूव वेलकम हो टू ग्रीन जाता कार्ड। है तो हाँ आपको ग्रीन कार्ड ईएडी आएगा, क्या बात है। और जब तक आपको ग्रीन कार्ड नहीं आएगा तब तक आप इस पे आराम से काम कर सकते हो, ऐसा मुश्किल। ठीक है। आपको कोई एम्प्लॉयर शेम्प्लॉयर नहीं चाहिए, अभी यू आर ऑन योर ओन।